वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अधिकारी और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहे हैं, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है टाइटल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप हमें बताएंगे दहशत या डैश इट, जो बाइडन मुक्ति है मोदी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है डैश इट, पीएम मोदी, जो बाइडेन, हिंदी न्यूज़ से। मेरे दोस्त मोदी, ये शब्द हैं दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाले मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के। बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त कहा। बाइडेन ने अपने ट्विटर हैंडल पर भारत की तारीफ की। भारत को G20 संगठन का अध्यक्ष बनाए जाने पर बाइडेन ने खुशी का इजहार किया। यही नहीं, बाइडेन ने पर्सनल बॉन्डिंग के टच को देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे दोस्त हैं। सवाल है कि आखिर क्यों बाइडेन के सुर बदल गए हैं, क्यों उन्होंने पीएम मोदी को अपना दोस्त कहना शुरू कर दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका के जज्बात बदल गए हैं। राष्ट्रपति बाइडेन के तेवर ढीले हो गए हैं क्योंकि वक्त और हालात बदल गए हैं। एक वक्त था जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को लेकर सख्त और अड़ियल रवैया अपनाया हुआ था, लेकिन आज खुद बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बता रहे हैं। दरअसल भारत के G20 की अध्यक्षता का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर गुरुवार को शुरू हो गया, इसलिए शुक्रवार को जो बाइडेन ने ट्वीट कर भारत को मजबूत साझेदार और प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त कहा। बाइडेन ने लिखा, भारत अमेरिका का एक मजबूत साझेदार है। मैं भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करने के लिए उत्सुक हूँ। ये वही बाइडेन है जो रूस से तेल खरीदने से लेकर मानवाधिकार तक भारत को आंख दिखाते थे, लेकिन अब इनके लब से भी भारत के लिए तारीफ निकल रही है। प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त कह रहे हैं, सिर्फ दोस्त ही नहीं, बाइडेन कह रहे हैं कि दोनों देश मिलकर साथ काम करेंगे। बाइडेन ने लिखा, दोनों देश साथ मिलकर जलवायु, ऊर्जा और खाद्य संकट जैसी साझा चुनौतियों से निपटते हुए सतत और समावेशी विकास को आगे बढ़ाएंगे। याद कीजिए, पिछले महीने इंडोनेशिया के बाली में जब G20 समिट चल रही थी, तब राष्ट्रपति बाइडेन खुद प्रधानमंत्री मोदी के पास चलकर गए थे, कंधे पर हाथ रखा और हाथ भी मिलाया। बाइडेन ने पीएम मोदी की बात को गौर से सुना। इसके बाद इसी समिट के दौरान बाली के मैग्रोव फॉरेस्ट में प्लांटेशन के समय मोदी और बाइडेन का एक दूसरे को अभिवादन करना खबर बन गया। यहां बाइडेन ने मोदी की तरफ सैल्यूट का इशारा किया। ये तस्वीरें और बाइडेन का मोदी को अपना दोस्त बताना इशारा कर रहा है कि अमेरिका भारत से नजदीकियां बढ़ाना चाहता है। सवाल उठता है कि क्यों मोदी को अपना दोस्त कहने के पीछे बाइडेन की क्या मंशा है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है वो लगातार गहरी हो रही है। राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल के दौरान भी इंडिया यूएस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप लगातार बेहतर हो रही है, लगातार गहरी हो रही है और ये हायर ट्रेजेक्टरी को छू रही है। और जाहिर है कि भारत और अमेरिका दो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। दोनों के साझा मूल्य हैं, साझा हित हैं, साझा अवसर हैं, साझा चुनौतियां हैं। भारत के लिए अमेरिका के बदले बोल और चाल ढाल के पीछे की कूटनीति और सियासत आपको समझनी चाहिए। उससे पहले आप रूस के विदेश मंत्री सरगेई लैवरोव का बयान सुनिए। उनके मुताबिक अमेरिका भारत को रूस के खिलाफ गुट में शामिल करना चाहता है। одним из тех регионов, где натовцы не прочь, как они это когда-то сделали на Украине, не прочь нагнетать напряженность. Мы знаем, насколько серьезно Китайская Народная Республика относится к такого рода провокациям. तो क्या भारत से चिकनी चुपड़ी बातें करके अमेरिका भारत का दिल रूस से हटाकर अपनी तरफ करना चाहता है? इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि इस वक्त सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। यहाँ तक कि रूस भी भारत से मदद मांग रहा है। रूस ने करीब 14 पन्नों की एक लिस्ट भेजी है जिसमें लगभग 500 ऐसे सामानों का जिक्र है जो रूस भारत से खरीदना चाहता है। सवाल उठता है कि क्या अमेरिका भारत की शक्ति को पहचान गया है या इसके पीछे उसकी कोई चाल है। निसंदेह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत की बढ़ती हुई वैश्विक भूमिका से अवगत है और वो उसका सम्मान करता है। भारत विश्व में आने वाले समय में
बड़ी भूमिका शांति, सुरक्षा, स्थिरता और संपन्नता को हासिल करने के लिए निभाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस बात को जानता है कि भारत ऐसा करने की पूरी क्षमता रखता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती हलचल ने भारत और अमेरिका को एक दूसरे के करीब ला दिया है। इसके अलावा भारत दुनिया में सबसे बड़ा हथियार और मिलिट्री साजो सामान आयात करने वाला देश है। दुनिया में कुल हथियारों का भारत 11% आयात करता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। साथ ही दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले देशों में भी भारत शामिल है। और अब भारत की मदद से ही G20 में सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है। हमें अपने G20 एजेंडा में वुमेन लीड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। हाल के सालों में भारत को लेकर दुनिया का विश्वास बढ़ा है, चाहे वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई हो या यूक्रेन युद्ध। भारत किसी के दबाव में नहीं आया, उसने अपनी निष्पक्ष नीति अपनाई। सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए 192 देशों में से 184 देशों ने भारत को समर्थन दिया था। ऐसे में भारत का किसी खेमे में जाना उस खेमे की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी जनाब, दुनिया के मामलात, दुनिया के हालात, दुनिया के ताल्लुकात सब तब्दील हो रहे हैं वक्त के साथ साथ। जो देश पिछले 5-10 साल पहले क्या था, अब क्या है, किस देश के साथ क्या ताल्लुकात थे, क्या मजबूरियां थीं, क्या मामलात थे, क्या पीछे के हालात थे, उस बेस पे। लेकिन अब हर चीज़, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि कम से कम भी शायद अगर टोटली 5 सालों को देख लिया जाए, या तो और भी कम हो सकते हैं, 3 साल भी हो सकते हैं, अगर 5 सालों को अभी से लेके पिछले 5 सालों को नोट किया जाए, कैलकुलेट किया जाए, तो शायद इतनी तब्दीलियां 20-25 साल 30 साल में नहीं आई थी। बहुत सारी दुनिया के मामलात में, दुनिया की तब्दीलियों में, दुनिया की इकनॉमी में, हालात में, फिर कोविड आया, बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर एक युद्ध वाला मामला भी हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें और निकल के सामने आ गई हैं। क्या देश क्या है, किसकी क्या चेहरा है, किसकी क्या छवि है। देखिए, सारे हालात सेटल होते हैं, हालात नॉर्मल होते हैं, हर देश अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, अपने अपने विकास में लगे रहते हैं, तो उस वक्त इतना पता नहीं चलता किस देश की क्या पोजीशन हो गई है। इसको इस तरह मिसाल ले लिया जाए कि एक मोहल्ला है, एक मोहल्ले में बहुत सारे घर हैं, घरों के अंदर ही लोग रहते हैं, आते हैं जाते हैं, घर के अंदर रहते हैं, आते हैं जाते हैं, घर के अंदर रहते हैं। लेकिन अगर उस मोहल्ले पे कोई संकट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मामले होते हैं, कोई बहुत बड़े बड़े इवेंट होते हैं, तो उसमें मोहल्ले वाले सारे जमा होते हैं, मोहल्ले वाले सारे एक दूसरे से मिलते हैं, देखते हैं, कोविड आया है, कोई भी चीज़ें आती हैं, तो उसमें पता चलता है कि कौन क्या है, किसकी क्या पोजीशन है, किसके अंदर के मामलात कितने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस बेस पे अब दुनिया के ताल्लुकात तब्दील हो रहे हैं एक दूसरे से, दुनिया एक दूसरे से अपने ताल्लुकात को तब्दील कर रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब इंडिया, अमेरिका ने ये देखा कि इंडिया के जो ताल्लुकात हैं रशिया से बहुत मजबूत हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि असल चीज़ होती है ताल्लुकात मजबूत होना नहीं, असल चीज़ होती है कि मुश्किल वक्त में निभाना। जब आपके एक अच्छे ताल्लुकात किसी कंट्री से हो जाते हैं, फिर आप पूरी दुनिया के प्रेशर को इग्नोर करते हो और अपने ताल्लुकात की बेस पे, क्योंकि किसी ज़माने में रशिया ने बहुत सपोर्ट किया, शुरू से सपोर्ट किया, हमेशा यूएनओ में सपोर्ट किया वीटो करके। अगर सिर्फ़ और सिर्फ रशिया ना होता, जो वीटो करता है इंडिया के हर मामले में यूएनओ में, तो बहुत सारे आज हालात इंडिया के चेंज होते। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे देशों ने ये चीज़ नोट की होगी कि यार, अपनी ज़बान पे अटल रहना, अपने कमिटमेंट पे कायम रहना, चाहे पूरी दुनिया कुछ भी कहे, सपोर्ट करना है तो अपने दोस्त को सपोर्ट करना है। तो ये चीज़ें सारी दुनिया नोट कर रही है, तो आज अमेरिका के भी हाथ खुद ब खुद इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं।
तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आने वाले वक्त में अमेरिका इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। पाकिस्तान को वो एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अक्सर उनका कहना है कि पाकिस्तान के जो हमारे साथ मामला आते हैं वो एक अलग नौयत के हैं, इंडिया से हमारे जो मामला आते हैं वो एक अलग नौयत के हैं। अच्छा, मोदी जी पे आते हैं थोड़ा सा, मामला की बात बाकी होगी, मोदी जी पे आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मोदी जी के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, मोदी जी की एक चीज़ जो मैंने इस वीडियो में फ़ील करी है, वो किसी और वीडियो में शायद नहीं फील करी, बहुत ज़्यादा प्योरिटी है जो इनकी पर्सनालिटी को दूसरे पॉलिटिशियंस से मुनफरिद करती है, अलग करती है, इनको यूनिक बनाती है इनकी प्योरिटी। मैं थोड़ा सा गौर किया, अच्छा मेरे अंदर आदत है मैं चीज़ों को बहुत गहराई से देखती हूँ और बहुत ज़्यादा गौर करती हूँ, इंसान का एक एक एटीट्यूड उसको जज करती हूँ कि इस बेसिस पे कि वो क्या है। मैंने देखा कि जब मोदी जी को नेक्स्ट ईयर के लिए G20 की मेहमान नवाजी दी जा रही थी और जिस तरीके से उन्हें जो हैमर है वो दिया गया है, उन्होंने बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव किया है, ऐसे करके इतनी खुशी का इजहार, इतनी प्योरिटी का इजहार, इतनी हम्बलनेस का इजहार, एक प्लान बंदा, एक फेक बंदा नहीं कर सकता। ये हम आप उससे उम्मीद नहीं रख सकते जो फेक है, जिसकी सारी चीज़ें प्लानिंग के तहत हुई हैं। दूसरी बात ये कहूँगी मैं कि ज़्यादा नहीं बोलूँगी इस बारे में, लेकिन मैं इस हद तक डिटेल्ड में देखती हूँ चीज़ों को कि मेरी टीचर कभी कभी मुझसे कहती थी कि रजिस्टर चेक कर लो, तो जब मैं रजिस्टर चेक करती थी वो रजिस्टर रेड हो चुका होता था। मैं इतना ज़्यादा फोकस करके चीज़ों को और काम को करती हूँ, तो बस मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी। मैंने देखा इस वीडियो में कि बाइडन जो हैं वो ऐसे कर रहे हैं और मोदी जी ऐसे कर रहे हैं, तो आप लोग भी समझदार हैं, ऐसे में और ऐसे में बहुत फ़र्क है। तो इसका मतलब आजकल का दौर वो है जो देश 10 साल पहले आपको खटकता था, 5 साल पहले आपको खटकता था, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का कार्यकाल ले लेते हैं, किसी को नहीं देखते, किसी और पॉलिटिशियन की बात नहीं करते। जब से मोदी जी सत्ता पर आए हैं, जब से उन्होंने सीट संभाली, जब से उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला, तब से बात कर लेते हैं। 14 से अब तक इतनी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, इतनी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं कि वो देश जो सुपर पावर था, जिसके इर्द गिर्द सब मंडराते थे, जिसकी एक रहमो करम की, नजरे करम की इल्तिजा की जाती थी, वो देश इंडिया जैसे देश को सैल्यूट कर रहा इस तरीके से, तो मैं ही कहूँगी बहुत कुछ तब्दील हो चुका है। और ये सारा का सारा क्रेडिट मैं देना चाहूँगी मोदी जी को, क्योंकि इतनी बड़ी तब्दीलियाँ इससे पहले किसी और के कार्यकाल में हमें नहीं देखने को मिलती। प्रोजेक्ट्स के हवाले से हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हम बात करें, इमेज के हवाले से हम बात करें, हम सिर्फ और सिर्फ कंट्री की इमेज की बात कर लेते हैं, चले हम प्रोजेक्ट्स को छोड़ देते हैं, दूसरे आप लोग ये कहते हैं कि भाई दूसरों ने भी किया है, ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस ने भी काम किया है, दूसरी पार्टीज ने भी काम किया है, मोदी जी को ज़्यादा आप लोग बोलते हो, हम सिर्फ और सिर्फ इमेज की बात कर लें। ये जो छवि है ना, ये जो इंडिया की छवि अब उभर कर आ रही है सामने, इतनी पॉजिटिव, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल देश, ये पहले क्यों नहीं थी? अगर सब ने काम किया है, सब ही इस तरीके से कर रहे थे, मोदी जी में कोई ख़ास बात नहीं है, तो अब वो देश जो सुपर पावर है वो आज क्यों इंडिया को सलाम कर रहे हैं, वो क्यों इंडिया के आगे पीछे हो रहे हैं, वो क्यों हाथ मिलाने के लिए खड़े हैं लाइन में? इसका मतलब बहुत कुछ चेंज हुआ है और ये सब कुछ हो पाया है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से। कभी मैंने नहीं देखा कि सामने से अगर कोई आ रहा हो वो उसको इग्नोर करें, कभी मैंने नहीं देखा कि कोई देश या कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई प्रेसिडेंट बात कर रहे हैं और ये उनको इग्नोर कर दें या एटीट्यूड दिखाएं या थोड़ा सा रूड हो जाए। ये चीज़ इनको बहुत यूनिक करती है, ये चीज़ इनको बहुत ख़ास बनाती है अपने आप में। इसलिए मुझे लगता है शायद ये जो इतना पॉजिटिव हो रहा है सब कुछ, ये जो इतना अच्छा अच्छा हैप्पी हैप्पी दिख रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मैं ही कहूँगी मोदी जी की वजह से। बहुत स्ट्रैटेजी है इसके पीछे, बहुत मेहनत है, बहुत प्लानिंग है, बहुत बातचीत है, बहुत डिस्कशन है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर नज़र बनी हुई है कि इस वजह से भी हमारा पॉइंट ना मिल जाए, इस वजह से भी हमारे इंडिया की इमेज ना ख़राब हो जाए। इस पर बहुत सोच विचार होता है, इस पर बहुत मेहनत होती है। ये जो हम सुनते हैं कि मोदी जी 4-4 घंटे बस सोते हैं, 3-3 घंटे सोते हैं, बाकी काम ही काम करते हैं, ये बहुत काम करते हैं, इसके पीछे बहुत मेहनत उनकी जो अब रंग लाई है, जो इंडिया को लोग इस तरीके से, इस लेवल से देख रहे हैं, इस लेवल से कभी भी नहीं देखते थे। एक थर्ड क्लास कंट्री समझते थे, हमेशा डिग्रेड करते थे, हमेशा अंडर एस्टिमेट करते थे। ऐसा फेस, ऐसा इमेज इंडिया का पहले कभी नहीं उभर कर आया। अगर कोई मुझसे सिग्नेचर करवाना चाहे इस बात के लिए, तो मैं सिग्नेचर करने के लिए तैयार हूँ। बहुत 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 अच्छा लगा दूसरे देशों का ये रवैया इंडिया के साथ देखकर। मुझे दिली खुशी होती है कि एट लीस्ट इंडिया ने अपने दिन बदले, अपनी पोजिशन बदली, अपना लेवल बदला। तो इस हालात में, इस मामलात में फॉरेन पॉलिसी का जिक्र ना करना ज़्यादती होगी एस जयशंकर जैसे लोगों का,
क्योंकि जिनकी वजह से ही सारे मामलात सेटल होते थे। किसी भी प्राइम मिनिस्टर जब किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वो तो बाद में जाते हैं, सबसे पहले वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ ताल्लुकात बेहतर बनाते हैं, पूरा स्क्रिप्ट तैयार होता है, सारी चीज़ें प्लान होती हैं, किस देश के साथ क्या मामलात रखने हैं, किस देश के साथ क्या हमारे मामलात अब तक हैं, आज तक चलते हुए आ रहे हैं। और अक्सर दो तीन मरतबा एक क्लिप बार बार अक्सर वीडियोज़ में आता रहता है अजीत डोवाल का, जिसमें बाकायदा अमेरिका के प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं मोदी जी, तो बाकायदा उन्होंने कान लगाया हुआ है, बाकायदा उनका बाकायदा जो जेस्चर है वो ये नहीं देख रहे कि पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है, कैमरे लगे हुए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर एक सिस्टम के तहत चल रहे हैं, मोदी जी के जहन से कोई बात निकल जाए या उस शख्स का कहने का अंदाज़ क्या है, सदर का अमेरिका के, वो क्या कहना चाह रहे हैं, एक वक्त में एक शख्स नहीं सुन रहा, वो मोदी जी से बात करें तो उस वक्त कोई और कान भी लगे हुए हैं। और वो कान हैं जो यकीन करें, मैं समझता हूँ अजीत डोवाल के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, मैंने बहुत इनके बारे में मतलब है कि अक्सर इनकी वीडियोज़ वगैरह आती थी, पाकिस्तानी भी इनके वीडियोज़ बनाते थे, पाकिस्तान में इन्होंने काफ़ी टाइम गुजारा, काफ़ी मतलब है कि एक अपने मुल्क के लिए इन्होंने बहुत सारे ऐसे राज हैं जो बाकायदा यहाँ से लेके गए, इन्होंने बाकायदा अपनी वीडियोस में खुद अपने लेक्चर्स में खुद लोगों को स्टूडेंट्स को समझाया इस बात का। हमारे यहाँ बुज़ुर्गों की एक मिसाल है कि अगर बोली अच्छी हो जाए तो धंधा अच्छा हो जाता है, ठीक है, और लोगों के मुँह से नॉर्मली भी ऐसे मैं नॉर्मली कैजुअली बोलते हुए भी सुनती हूँ कि दिन की इब्तदा अच्छी हो जाए तो रात तक दिन अच्छा ही गुजरता है। तो मैंने जैसे कि जिक्र करा कि डिस्कशन होती है, मेहनत होती है, तो भूतों से तो डिस्कशन नहीं होती है, रूहों से तो डिस्कशन नहीं होती, सामने और भी बंदे होते हैं, पूरी टीम होती है, उसके तहत चला जाता है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि पहला बंदा जो मैन बंदा है वो ठीक हो, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। अब वो करप्ट है, नीचे वाले बंदे चाहें भी तो क्या करें, उसने तो उनके हाथ पाँव बांधे हैं, वो तो कह रहे नहीं करने दो। जैसे हमारे यहाँ इमरान खान हमेशा रोना रोते रहते थे कि यार मेरे ऊपर जो था ना प्रेशर था, मेरे ऊपर के जो लोग थे वो मुझे जकड़ के रखे हुए था उन्होंने, वो मैं कर ही नहीं पा रहा था, मैं तो चाहता था मैं तो ये नहीं कर पाया, मैं तो चाहता था मैं वो नहीं कर पाया। तो जो मैन बंदा है जैसे कि मोदी जी है, अगर वो ईमानदार है, अगर वो अच्छा है, तो उसकी टीम ऑब्वियस सी बात है ना कि ईमानदार होगी, अच्छी होगी। अजीत डोवाल जी, नितिन जी, इसके अलावा एस डी शंकर जी, ये सब मैं ही कहूँगी मोदी जी की छवि हैं, मोदी जी से ही मुझे लगता है सब सीखा है इन्होंने, इनको वही, ये वही बातें करते हैं, ये वही काम करते हैं, इनका वही एटीट्यूड है, ये वही बिहेवियर अपनाते हैं जो ये अपने बड़ों को देखते हैं, यानी कि अपने मोदी जी को देखते हैं, अपने से ऊपर वाले लोगों को देखते हैं। अगर ऊपर वाला करप्ट है तो नीचे वाला तो ऑब्वियस ही बात है वो भी करप्शन करेगा, अगर ऊपर वाला झूठ बोल रहा है तो नीचे वाला भी झूठ बोल रहा है, अगर ऊपर वाला बेईमान है तो नीचे वाला भी बेईमानी करेगा। ये तो बच्चे को भी समझ में आती है ये बात, सबको क्रेडिट जाता है, लेकिन मैन बंदा अगर ठीक हो ना तो मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है वो इंडिया के आप मिसाल ले सकते हैं। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, दोबारा किसी के साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।